गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही प्रेरक संदेश लेके आया हूं। हो सकता है इस संदेश को आपने कई बार सुना हो, कहीं ना कहीं इस संदेश को पढ़ा हो, क्योंकि मैंने भी ये किसी किताब में पढ़ा था। संदेश बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना ये संदेश आप तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर इंसान कामयाब होना चाहता है और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आप भी कामयाब होना चाहते होंगे। लेकिन कई बार हम जब किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए वो कामयाब हो गया है, शायद उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इसलिए वो कामयाब हो गया है। और कई मौकों पर तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, जिनका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वो पूरी जिंदगी हीन भावना में ग्रस्त हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और सामने वाले की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो रंग रूप में हमसे बहुत अच्छा है, इस वजह से शायद वो कामयाब हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक मेले में घूमने जाता है। मेले में बहुत झूले लगे हुए होते हैं, मेले के अंदर तरह तरह की खाने की चीजें मिल रही होती हैं, जैसे कि आप बचपन में जाते थे आपको मालूम ही है, और आपको अपना बचपन अभी याद आएगा जब ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो उस मेले में एक बलून वाला, एक गुब्बारे वाला खड़ा होता है। आपने बचपन में देखा होगा कि एक गुब्बारे वाला खड़ा होता था और उस गुब्बारे के अंदर एक गैस भरता था और उस गुब्बारे में एक धागा लटका होता था, तो आप और हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे, उस गुब्बारे को हाथ में लेके जाते थे और वो गुब्बारा बार बार ऊपर उड़ता था। कई बार हम छोड़ते थे और उछल के उसको पकड़ लेते थे, और कई बार जरा सा ऊपर उड़ जाता था तो हम अपने मम्मी पापा को बोलते थे और वो उछल के पकड़ते थे। और घर में आके तो हम बहुत खेलते थे। घर में जब आप आते थे तो आप क्या करते थे, उस गुब्बारे को छोड़ते थे और वो गुब्बारा उड़ता हुआ छत की दीवार पर जाके अटक जाता था और फिर डंडे से या किसी भी सहारे से हम उसको नीचे उतारते थे और उसको हम फटने नहीं देते थे। और कई बार घर में हम उसको ऐसे छोड़ देते थे और वो दीवार पर ऐसे टंगा रहता था और धीरे 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 करके कुछ दिन के अंदर उसकी गैस निकल जाती थी। आशा करता हूं ये सीन आपको ध्यान आया होगा। तो वही सीन था वहां पे, और वो गुब्बारों में गैस भर के बेच रहा था और गुब्बारे बच्चे खरीद रहे थे। लेकिन जैसे ही उस गुब्बारे वाले की सेल थोड़ी सी कम हो जाती थी तो क्या करता था, एक गुब्बारा लेता था, उसमें गैस भरता था और देखता था सामने से जैसे ही बच्चे आ रहे होते थे, क्योंकि उसकी टेक्निक थी बेचने की, वो एक गुब्बारे को हवा में छोड़ देता था और गुब्बारा उड़ता हुआ हवा में ऊपर चला जाता था। और उड़ते हुए गुब्बारे को देख के बच्चे अपने माँ बाप से जिद करने लग जाते थे कि हमें गुब्बारा चाहिए। तो उस बच्चे ने भी अपनी माँ से जिद करी, उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे गुब्बारा चाहिए। तो उसकी माँ उस गुब्बारे वाले के पास ले गई, बराबर में एक चूड़ियों की दुकान थी, माँ चूड़ी देखने लगी और बच्चे उसको बोला कि एक बढ़िया सा गुब्बारा इसको दे दीजिए, जो कलर का इसको पसंद हो। तो उस बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा कि अंकल, ये पीले वाला गुब्बारा है, क्या ये गुब्बारा भी आसमान में उड़ेगा? तो गुब्बारे वाले ने बच्चे का जब ये सवाल सुना तो वो हैरान हो गया, और उस गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को जो आंसर दिया वो आज की वीडियो में आपके लिए एक सबक साबित हो सकता है। उस बच्चे को उस गुब्बारे वाले ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उस गुब्बारे वाले ने बोला कि बेटा, गुब्बारा कभी भी अपने कलर के कारण नहीं उड़ता है, अपने रंग के कारण ऊपर नहीं उड़ता है, गुब्बारा इस कारण से उड़ता है उस गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। सिंपल और साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आप एक गुब्बारा लीजिए और उसे अपने मुंह से फुलाइए और उसको आप छोड़िए, वो ऊपर नहीं उड़ेगा दोस्त, वो नीचे आ जाएगा। लेकिन उस गुब्बारे के अंदर अगर आप हीलियम गैस भरते हैं या हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो वही गुब्बारा ऊपर आसमान की तरफ उड़ता है। तो इस गुब्बारे वाली स्टोरी से हम क्या सबक ले सकते हैं? उस गुब्बारे वाले ने क्या बोला? उस गुब्बारे वाले ने बोला कि गुब्बारा कभी भी अपने रंग रूप या कलर के कारण ऊपर नहीं जाता, उस गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है उस भरी हुई चीज के कारण वो ऊपर जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर कामयाब अपने रंग रूप, अपनी किस्मत की वजह से नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर कामयाब होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड में अगर कोई भी इंसान अगर कामयाब होता है तो उसके अंदर क्या भरा हुआ, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदरूनी विकास के कारण, उसकी अंदर की नॉलेज के कारण वो इंसान किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होता है। तो मैं आशा करता हूं जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था इस स्टोरी के माध्यम से, ये मैसेज आप तक पहुंचा होगा।
तो अपने को दोष देना बंद करें, अपने रंग रूप को दोष देना बंद करें, अपने परिवार को दोष देना बंद करें, अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें। आज से अपने अंदर झांक के देखें, क्या आपके अंदर वो सारे गुण हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? और किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपके अंदर क्या भरा होना चाहिए? सबसे पहले किसी ऐसे काम का चयन कीजिए जिस काम में आप वाकई कामयाब हो सकते हैं। जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर उस काम में बहुत सारे लोग पहले आपसे पहले जो जुड़े हुए हैं, अगर वो कामयाब हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी कामयाब होंगे। तो सबसे पहले सही काम का चयन करना है, उसके बाद उस काम की नॉलेज लेनी है, उस काम को सीखना है, समर्पण करना है, क्योंकि बगैर सीखे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी काम के अंदर हो, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको समर्पित भाव से समर्पण करना होगा, आपको सीखना होगा, और जो आपने सीखा है उसको सच्चे दिल से अप्लाई करना होगा, उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी तो कर लेते हैं, काम तो कर लेते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल से वो मेहनत नहीं करते हैं। और जब तक आप सच्चे दिल से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं, अगर आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, अगर उस ज्ञान और उस नॉलेज का आप सही तरीके से फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो उस ज्ञान और नॉलेज, उस बुद्धिमानी का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अच्छे काम का चयन करें, दूसरा अच्छी तरीके से नॉलेज लें, और उस नॉलेज को लेने के बाद सही तरीके से हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके उसमें दिन रात मेहनत करना शुरू कर दें। उस मेहनत के अंदर जुनून होना चाहिए, उस मेहनत के अंदर आपके वो ड्रीम दिखने चाहिए आपको। जो ड्रीम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ड्रीम आपको पूरा करना चाहते हैं, वो ड्रीम 24 घंटे आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। उस ड्रीम को याद करके आपको काम कर रहे हैं। कुछ लोग किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, या तो जॉब करते हैं, या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग उतनी मेहनत से, उतने जज्बे के साथ काम नहीं करते हैं। यह भी उनका फेलियर रहने का एक कारण होता है। तो 100% मेहनत कीजिए, पूरे जज्बे के साथ मेहनत कीजिए, अपने ड्रीम के साथ मेहनत कीजिए। और एक चीज और आपको अपने अंदर विकसित करनी है, वो क्या है? पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कहीं भी आज की डेट में जो भी व्यक्ति हैं, कहीं भी जब शुरुआत करते हैं, तो उनको जो अचीवमेंट है, उनको जो कामयाबी है, वो तुरंत चाहिए। शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट कामयाबी का नहीं होता है। सही तरीके से काम करके कभी भी शॉर्टकट से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। स्मार्ट वर्क से जल्दी अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो आपके अंदर क्या है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले सही काम का चुनाव करें, दूसरा वह उस काम के प्रति जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज आपको चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उस नॉलेज को आप लीजिए। एक जुनून के साथ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, और पेशेंस रख के काम कीजिए। मैं गारंटी देता हूं, निश्चित रूप से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% कामयाब होंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक प्रयास से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरीके की बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरक वीडियो मैं आपके बीच में लेके आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।